महागठबंधन में सीटों को लेकर लगातार खींचतान जारी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज है। सर, ये बताइए, क्या सीटों को लेकर तालमेल हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीतता जा रहा है? बीजेपी जदयू और रामविलास जी का हो गया तालमेल, स्ट्रेटेजी है पार्टी की। अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका तालमेल नहीं हुआ है। हम पहले तालमेल करके अपना पत्ता क्यों ओपन करें? अगर एनडीए की बात करें तो जो रुख है चिराग पासवान का, क्या आपको लगता है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन में आप लोगों की तरफ से कोई ऑफर मिलेगा उनको? नीतीश जी हमारे साथ बीजेपी में गए ना, तो बिहार की राजनीति तो नीतीश जी ने खुद खोल दिया है, तो संभावना सब जगह बनी हुई। अपने तरफ से ऑफर देंगे चिराग पासवान को? कांग्रेस को आज किसी की जरूरत नहीं है, कोई दल को कांग्रेस की जरूरत है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो संघर्ष किया है दो ढाई साल या चुनाव के बाद कहीं, वो संघर्ष का नतीजा है कि देश में किसी राज्य में आज कांग्रेस की जरूरत किसी दल को है, हमको किसी दल की जरूरत नहीं है। सर, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को किसी दल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बिहार की परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस जो है वो आरजेडी के पीछे पीछे चल रही है। देखिए, गठबंधन के हम खिलाफ नहीं, और ये युग आया है समाप्ति की ओर, हो सकता है बहुत दिन गठबंधन की राजनीति चली, लेकिन एक अभी सच्चाई है कि अभी है, और लालू जी की पार्टी रजत हमारे साथ गठबंधन में बड़े भाई की यहाँ की भूमिका में है। लेकिन आफिस के द्वारा हम कहते हैं कि हमारा देश का परिप्रेक्ष्य है, हम कहीं सीट कम लड़ सकते हैं, लेकिन देश की नीति और राज्य का निर्णय निर्धारण कांग्रेस करेगी। इसलिए कि बीजेपी को हटाने का औकात आज देश में किसी दल को नहीं है सिवा कांग्रेस को। तो जो इस लुटेरी और निकम्मी सरकार को, जो गरीब जनता को लूट रहा है, मध्यवर्ग को लूट रहा है, छात्रों को लूट रहा है, नौजवानों की नौकरी छीन रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी होगी। हम सीट कुछ भी लड़ें, बड़ा भाई हम होंगे। लेकिन सर, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, लेकिन बिहार में उसके भाग्य का फैसला तेजस्वी यादव कर रहे हैं, यह पहले भी कर चुके हैं। आपको हमारे कांग्रेस सीट का फैसला कोई नहीं करेगा, राहुल गांधी करेंगे। लेकिन आरजेडी के तरफ से ही ना सीट दिया जा रहा है, कभी 50 बोल आंकड़ा आता है, कभी 40 का आता है, कभी आता है कि चलिए हम आपको 55 दे दिए। ये आप लोग टीवी में चलाते हैं, हम लोग तो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कभी कोई ऐसा ऑफर नहीं सुना कि जो तेजस्वी जी ने दिया कितनी सीट देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, एक सम्मानजनक सीट कांग्रेस के लिए बिहार में क्या होनी चाहिए? हमने बहुत पहले कहा था कि भाई जो जो होता है सीट का बंटवारा केवल जदयू का, नीतीश जी जो लड़े तो उस पर होगा, तो उसमें और दल भी आना चाहते हैं, तो उस दल में 50-50 सीट का बंटवारा हो, और जोन दल जिसके साथ रहना चाहे, उपेंद्र जी कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं हम सीट देंगे, उपेंद्र जी लालू जी के साथ रहना चाहते हैं वो सीट दें, लेफ्टिस्ट हमारे साथ रहना चाहता हम सीट देंगे, लेफ्टिस्ट उनके साथ रहना चाहता वो सीट दें, कंप्रोमाइज फार्मूला यही। यानी आंकड़ों की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वह 90 सीटों पर आएगी, और उसके बाद जो भी दल कांग्रेस के साथ आएंगे उनको कांग्रेस सीटें देगी। हाँ, ये अब हम टोटल नहीं किया है दोनों, क्या होता है जो दल जिसके साथ जाए, 101 सीट पर लालू जी लड़ रहे थे, 41 सीट हम लोग लड़ रहे थे, तो जो सीट जो दल जिसके साथ जाए, बड़े दल तो ऐसे भी उड़ा जाएंगे क्योंकि पहले से ये 101 में है, हम 41 में हैं, तो जो सीट उसके बावजूद भी जो सीट जिसके साथ जाए हम लोग शेयर करें, और तब वाजिब भी बात होगी। ऐसे हर एक आदमी दल का रहा कि हम 50 सीट जीतेंगे, जितना मांझी चले गए हम उनके रहते कहा था, जितना मांझी 3 सीट से ज़्यादा का औकात नहीं है आपकी, जो है पता चल जाएगा कि 4 सीट से ज़्यादा देता है उनको गठबंधन, नीतीश कुमार भी देखेंगे हम, 8 सीट तो आप लोग चला रहे हैं, लेकिन आपसे नाराज होकर चले गए ना, उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया। जो सिद्धांत विहीन समझौता करता हो सीट पर उपकार किया है कांग्रेस छोड़ के, और निवेदन करना चाहते हैं जो केवल सीट के लिए कांग्रेस में है वो छोड़ दें कांग्रेस को, बहुत बड़ा उपकार होगा। यानी मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, हमारे कांग्रेस में फॉरवर्ड का भी लीडरशिप है, माइनॉरिटी का भी लीडरशिप है,
दलितों का भी लीडरशिप है, पिछड़ों का भी लीडरशिप है, अति पिछड़ों का भी लीडरशिप है। हमको किसी दल के नेता को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। यानी ये चेतावनी है रालोसपा के लिए और मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसके लिए। हम कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि हम लोगों के बिहार में कई पत्रकारों ने पूछा कि सीएम चेहरा नहीं है, हम के हमारे यहाँ पीएम चेहरा भी है, लेकिन हम लोग जो कांग्रेस के हैं हमारा एक चेहरा वो है राहुल गांधी। लेकिन चेहरा और एक्सपीरियंस में या काबिलियत में या ईमानदारी में या दूसरे जगह जो जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस में किसी दल से ज़्यादा लोग। लेकिन इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में कोई भी सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं है। आपको मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी के पास ही जाना पड़ता है, जो एक तरीके से आप लोगों के सामने काफ़ी अनमेच्योर है। ये बात हम नहीं बोलेंगे। आपको तो कहा कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है, तो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो बोलता है कि नहीं है वो बेईमानी है। परिस्थितियाँ थी, विकट परिस्थिति थी जिससे कांग्रेस उभरी है। अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व में भी बहुत लोग थे जो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी देश के स्थापित नेता हों, वो न्यूज़ में है, इसमें बोलने में कोई बात नहीं, हमको नहीं है। बिहार में भी चीफ मिनिस्टर का ढेर सारे कैंडिडेट हैं और वाजिब कैंडिडेट, इसलिए अब वो बात नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भी हो गठबंधन आए, राहुल लालू जी से बड़ा तो रजत का कोई नेता नहीं है। लालू जी का एक बयान आया था अखबारों में भी, चैनल में भी, फेसबुक पर भी, कि हम बिहार के नेताओं से बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली के नेता से बात करके जो सोनिया जी कहेंगी राहुल जी कहेंगे मान लेंगे। तो हम भी वही मानते हैं। जिस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कह दिया कि तेजस्वी जी नेता, उस दिन से हमारे नेता हैं। अभी तक तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे, उनके नेतृत्व क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो मेच्योर हो चुके हैं कि बिहार की बागडोर उनको दी जा सकती है? मेच्योरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लीडर ऑपोजिशन है, MLA हो गए, डिप्टी CM हो गए, तो लीडर तो स्थापित है इसमें, लेकिन वो रजत के लीडर स्थापित है। और जहाँ तक बात है गंभीरता काम करने का, तो नीतीश कुमार स्वर्ग बना दिए क्या बिहार में? नीतीश कुमार ने समूचा कोरोना से मरता रहा, मजदूर रेल में कटता रहा, बच्चों के साथ सड़क पर मरता रहा, और इन्होंने पुलिस को डंडा मार के कहा कि बिहार में हिलना नहीं देना। वो तो तेजस्वी ने नहीं किया। मतलब आपका ये कहना है कि तेजस्वी जो है वो RJD का चेहरा है महागठबंधन का? महागठबंधन के चेहरा जब तक खुद लालू जी ने कहा, हम लालू जी की बात को डिटो करते हैं, जब महागठबंधन उनको चेहरा बनाएगा, हमारा नेता उसमें स्वीकृति देगा, हम लोग उनको माने, मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि महागठबंधन ये कह के कि कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा चेहरा कांग्रेस का बड़े बड़ा चेहरा है। हमारे यहाँ मीरा कुमार भी है, हमारे यहाँ तारिक अनवर है, हमारे यहाँ गवर्नर साहब हैं सत्य ढेर सा, कितना नाम लें, जिस जात में कहिएगा हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा कांग्रेस से देंगे, जिस जात में। मतलब अभी तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा नहीं है, वो केवल RJD का चेहरा। हाँ, आज के दिन में नहीं है। जब तक महागठबंधन उनको हमारा नेता हमको अनाउंस करके नहीं देता, कांग्रेस हम लोग अनुशासित पार्टी रहे हैं, और कांग्रेस नेतृत्व जिस दिन कह देगा कि नेता हैं, हम लोग भी उतने सम्मान देंगे जितना रजत के लोग उनको देते हैं। लेकिन ये कह के उनके खिलाफ भी लोग झूठो करता है कि कांग्रेस को नहीं यही चेहरा है, ये नहीं कहना चाहिए। बुरे हों भले हों, उपेंद्र भी चेहरा है, जितन मांझी भी चेहरा थे, तब ना नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बना है। लेकिन वही चेहरा है, नीतीश कुमार चेहरा है, तो दोबारा हार कहे गए थे बिहार में, उस समय भी तो वही चेहरा था। वही हम एक न्यूज़ चैनल को कहा कि भाई हमारा चेहरा नीतीश जी से ख़राब लगता है क्या आपको? आप चेहरा नहीं बनाओगे, बिहार का चेहरा बिहार बनाता है। लालू जी के समय में बड़े बड़े बिहार के नेता थे, रामलखन बाबू हम लोगों के यहाँ भी थे, लेकिन टूटल साइकिल पर चलने वाला लालू चीफ मिनिस्टर बना। नीतीश कुमार दो बार चुनाव हार के, तेसर बार MLA लड़के जीत के भी भाग गए बिहार छोड़ के, लेकिन आज 15 साल से चीफ मिनिस्टर, 15 साल पूरा होने जा रहा है। तो बिहार चेहरा देता है, बिहार को चेहरा आप लोग मतलब सॉरी मीडिया या कोई दिल्ली का नेता नहीं देगा, बिहार का चेहरा बिहार के लोग देंगे और देंगे। ये बताइए कि जो छोटी पार्टी लास्ट मोमेंट में सीटों को लेकर बार्गेन करती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा, मध्य प्रदेश हमारे हाईकमान के सामने,
और वो बिहार में नहीं घटेगी इसकी संभावना, हम इसलिए कहते हैं 100%, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे लोग भाग चुके हैं, तो और छोटे दल क्या करेंगे ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये इस पर नज़र हमारे हाईकमान की है, हम लोगों की भी है, कि उस ढंग का कोई बात गठबंधन नहीं हो जो कि चुनाव होते ही, हमने एक एमपी में लड़े थे, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स इस बार नहीं है। कांग्रेस हाईकमान किसी के प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आएगी और हम सब सीट पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक सवाल और है सर कि कृषि विधेयक जो है, जो कानून आया है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे ये किसान के विरोध में है? हम लोग किसान के बाल बच्चे हैं। आज हम अपनी उदाहरण देते हैं कि आज हम कृषि करते हैं, यदि आमदनी हमारी 1.5 लाख होती है, कोई कैपिटलिस्ट आवे वो कहे केवल धनिया तुम बुनो, तुमको हम 5 लाख देंगे, तो बिहार के जो लोग हैं मरे कुचले कर्ज से दबे लोग, वो अपने खेत दे देंगे 40 साल के लिए कि 40 साल इसमें धनिया उपजाओ। मार्केट का है, कोई भी छोटा व्यापारी को ले जाके पंजाब में बेचने का औकात नहीं है, केरल में बेचने का औकात नहीं है, बम्बई में बेचने का औकात नहीं है, दिल्ली में बेचने का औकात नहीं है। तो एक जो छोटे व्यापारी और किसानों का समन्वय था, वो एक दिन हमको 5 लाख दे देगा, लेकिन यदि 5 लाख का हम घर बना लिए और कल हमको 200 रुपया की ज़रूरत पड़े तो हमको कोई देने वाला नहीं। जो हमारा जो पुराना हजारों साल का ही लिंक है कृषि में, कि हमारा व्यापारी अदद तौलाता है, बहुत लोग तो जो कृषि नीति बनाने वाले हैं अदद जानते भी नहीं होंगे कि अदद क्या होता है। अदद तौलाता था जिसमें कि हम लोग जब मन हो अपना कह देते थे व्यापारी को कि भाई आज के दिन में हमारा भाव काट दे। उस दोनों में क्या संबंध था, उसको कैपिटल मिल जाता था और हमको यदि हमारा खर्च हो गया पैसा तो भी हम व्यापारी से कहते थे कि भाई हमको 2000 की ज़रूरत है तो वो दे देता था। तो वो जो असंगठित बैंक था हमारा, ये संबंध उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। और भविष्य हम बहुत पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी कोई भी जमीन मालिक को रहने नहीं देगा, समूचा इंडस्ट्री जो नवरत्न था उसको बेच चुका है, केवल जमीन पर नज़र, गिद्ध नज़र बड़े बड़े पूंजीपतियों को है। यदि ये विधेयक रह गया तो कोई गरीब किसान जमीन का मालिक नहीं रहेगा, वो नौकर रहेगा, पेड सर्वेंट रहेगा। सर एक अंतिम सवाल कि 80 से कम कांग्रेस को बिहार में मंजूर नहीं? समान देखिए, हम लोग कोई डिमांड जैसे उनकी भाई, हम डिमांड नहीं करते, हम सिद्धांत की बात करते हैं कि टिकट का बंटवारा धीरज जी को खुश करने के लिए नहीं हो, तेजस्वी जी को खुश करने के लिए नहीं हो, या और नेताओं को खुश करने के लिए नहीं हो। टिकट का बंटवारा गठबंधन के सम्मान, चाहे रजत का भी सम्मान उसमें जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का भी सम्मान जुड़ा हुआ है, या जिसको हम अपने साथ लाते हैं उसका भी सम्मान जुड़ा हुआ है। तो गठबंधन का चेहरा मैसेज यह जाए कि भाई सम्मानजनक समझौता है और लोग चलावेंगे सरकार। यदि आज जो आप प्रश्न पूछा, आज ऐसा गठबंधन हो जिसमें ये पता लगे कि चुनाव के बाद ये यहाँ जाने वाले हैं, और उन पर तो जरूर नज़र रखनी चाहिए, जो गठबंधन में उनको सीट की दिक्कत हो तो बीजेपी के यहाँ भी जाते हैं, हाईकमान की नज़र है कि वो आज हमसे भी बात कर रहे हैं, बीजेपी से भी बात कर रहे हैं, जदयू से भी बात कर रहे हैं, तो वो लोग कितना विश्वसनीय होंगे ये हाईकमान समझता है। यानी अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो क्या कांग्रेस बिहार में इस स्थिति में है कि वह अकेले चुनाव लड़ सकती है? 100% हम आज चुनाव लड़ेंगे और अगला बार सब पार्लियामेंट जीतेंगे अकेले अकेले। यदि हम आज लड़े तो इस हार में भविष्य की जीत छिपी हुई है। जिस ढंग से निकम्मे और बिके हुए विपक्ष के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी से डरते हैं, उसके छापा से डरते हैं, जेल से डरते हैं, उसमें जान हथेली पर लेकर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से। हम हो सकता है इस चुनाव में हारें, लेकिन एमपी का चुनाव हमारा होगा, इसलिए हमको कोई हर्जा नहीं है अकेले लड़ने। यानी आप विधानसभा के चुनाव में पहले से ही हार मान रहे हैं? कि अगर नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए हमको गठबंधन में 70 सीट जीते, 60 सीट जीते, हम 45 सीट जीते, लेकिन जीतेंगे, हमारी सरकार नहीं बने, लेकिन अगले बार हम दूसरी बात आप भूल गए, हम 400 MP जीतेंगे ये तय है। तो हमारे साथ थे श्याम सुंदर सिंह धीरज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, और निश्चित तौर पर इनका कहना है कि अगर कांग्रेस को बिहार में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फिर राजनीति में
रास्ता हमेशा खुला रहता है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।